नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक फेलोशिप के विषय में। ये फेलोशिप मेरे उन सभी भाई और बहनों के लिए है जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, ये फेलोशिप ग्रेजुएशन स्तर की है और मास्टर्स स्तर के विद्यार्थी भी भर सकते हैं और एमफिल पीएचडी के विद्यार्थी भी भर सकते हैं। जिसकी योग्यता है वो ग्रेजुएशन ही रखी गई है, उसके ऊपर के भी भर सकते हैं। तो क्या है और इसकी जानकारियाँ किस विषय में हैं, क्या काम करना है, कैसे करना है, उस सभी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा वही लोग देखें जिनको लगे कि ये जानकारी उनके और उनके मित्रों के लिए फ़ायदेमंद है, तो ही इसको जानकारी को देखें और शेयर भी करें। ठीक है, पुनः नमस्कार, सलाम, जय हिंद। कोरोना से सुरक्षित रहें, अपने आप को बचाएँ और सरकारी आदेशों का पालन अपनी बुद्धि के अनुसार करें। शुरू करते हैं फेलोशिप। साथियों, दोस्तों, समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले कुछ कंडीशंस को जानते हैं। इस फेलोशिप को ज्वाइन करने के लिए कई स्तरों से आपको गुजरना होगा और जो आपकी ज्वाइनिंग है वो जून से जुलाई में हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, तो अप्रैल चल रहा है, 2 से 3 महीने लगेंगे आपको ज्वाइनिंग तक प्राप्त करने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करने के लिए, इसमें काम करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एज लिमिट रखी गई है, आपकी एज 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब चाहे आपका बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे एमफिल हो, पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो या क्लियर हो, ऐसा नहीं है, आप एकेडमिक में नहीं, एजुकेशन फील्ड में होना ज़रूरी है। आप शिक्षार्थी हो सकते हैं, अभ्यर्थी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप 32 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका नाम जान लेते हैं। इसका नाम है SBI यूथ इंडियन फेलोशिप, यानी कि जो यंग बच्चे हैं उनके लिए फेलोशिप है, तो उनके लिए ये फेलोशिप कार्यक्रम है। SBI यंग यानी कि यूथ इंडियन फेलोशिप 2020, आप गूगल में देखेंगे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दूंगा। तीसरी चीज़, जून तक आपका ज्वाइनिंग होना है, पहली चीज़। 32 साल से आपकी एज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप बीए हो, एमए हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो, पोस्टडॉक्टरेट हो, कोई भी भर सकता है, बस 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं समझदार हैं कि 32 साल तक आप कितना पढ़ सकते हैं और क्या क्या पढ़ सकते हैं। अगली चीज़ पे बात करते हैं हम। अगली चीज़ है कि आपको SBI करवा रहा है, बैंक करवा रहा है, तो आपको बैंक में काम करना है, एक है उसमें से, क्योंकि ये फेलोशिप उन सभी विद्यार्थियों को दी जाएगी, उन सभी योग्य उम्मीदवारों को दी जाएगी जो बैंक के साथ साथ और अन्य क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाएंगे, आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे, वो सवाल जवाब ऐसे ही हैं जिस प्रकार कुछ विद्यार्थियों ने यदि गांधी फेलोशिप भरी होगी तो उसमें फॉर्म भरने के साथ साथ कुछ सवाल जवाब आपसे किए होंगे फॉर्म के द्वारा, तो उसी प्रकार के कुछ सवाल जवाब आपसे भी किए जाएंगे जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे या फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ करना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस लिंक पर जाएंगे, आपको कोई वेबसाइट कुछ नहीं सर्च करना, सीधा लिंक पर जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। वहाँ अपना ID बनाइए, पासवर्ड दीजिए और कुछ सवालों का सिंपल सवाल है जवाब दीजिए। आप 15 से लेकर 20 मिनट में इसका फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। याद, बहुत सिंपल फॉर्म है, साधारण फॉर्म है, कोई समस्या नहीं है। और एक नेक्स्ट चीज़ और, कि फॉर्म भरते वक्त कोई भी दस्तावेज, कोई भी साइन, कोई भी फ़ोटो आपको नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सिंपल फॉर्म है, साधारण फॉर्म है, इसीलिए कम से कम इसने ग्रेजुएशन तक मांगा है और इसकी एज है 32 साल। एक अगले अन्य चीज़ का याद रखिएगा कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, यानी कि आप इंडियन सिटीज़न हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल हैं। जो मैं बात कर रहा था कि क्या आपको बैंक के साथ काम करना है, लेकिन आपको बैंक के साथ साथ किसी और क्षेत्र में यदि इंटरेस्ट है, उसके लिए भी अगर आप उम्मीदवार हैं, आपने काम किया है, उसका अनुभव अगर है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या है वह क्षेत्र, उसको जान लेते हैं। यदि आपने किसी प्रकार से, चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 1 दिन ही क्यों ना हो, यदि आपके पास प्रमाण पत्र है, उस चीज़ का प्रूफ है कि आपने किसी NGO के साथ काम किया है, आपने किसी शैक्षणिक या सामाजिक या आर्थिक या सांस्कृतिक संस्थान के साथ काम किया है, फील्ड पे उतर कर, ग्राउंड में रहकर, यदि आपने कोई अपना ऐसा काम किया है जो इस क्षेत्र में, खासकर रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में है, तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वह अनुभव आपका इसमें काम आएगा। यदि आप किसी प्रकार के इकोनॉमिक क्षेत्र में या शेयर मार्केट के क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में या LIC के क्षेत्र में, यानी कि फंडामेंटली सीधा सीधा है, यदि आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसी प्रकार का काम कर चुके हैं, कोई अनुभव है, तो आप इसमें जा सकते हैं, आपको तवज्जो दी जाएगी। यदि आप
एजुकेशन के फील्ड के हैं, मीडिया के फील्ड के हैं, हेल्थ के फील्ड के हैं, या आप पॉलिसी या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं, विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इसमें जा सकते हैं। तो ये तो थी क्षेत्रों की बात कि किन किन क्षेत्रों से संबंधित आपको ये फेलोशिप दी जाएगी, ये काम कराया जाएगा। एज मैंने आपको बताई, एकेडमिक योग्यता बताई, भारत के नागरिक होने चाहिए वो बताई, लिंक मैं आपको दूंगा, कैसे भरनी है, कब भरनी है, उसके लिए वीडियो को आगे देखिएगा। अन्य चीज़ों की और बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पैसों की, कि पैसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आप किसी संस्था को टाइम दे रहे हैं तो पैसा भी आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा वो भी मायने रखता है। तो जब हम पैसों की बात करते हैं तो याद रखिए, आपको पर महीने के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, पर मंथ के हिसाब से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पर मंथ के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, कुछ हज़ारों की संख्या में, और इसके साथ ही साथ आपको कुछ बेसिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। हो सकता है अधिकांश उम्मीदवारों को या कुछ उम्मीदवारों को फ़ोन या लैपटॉप भी दिया जाए, आने जाने का अलाउंस भी दिया जाएगा, आपको याद रखिएगा। आपको स्टेशनरी के लिए अलग से फ़ंड दिया जाएगा। जैसे मैंने पूर्व का एक वीडियो बनाया था राज्यसभा फेलोशिप के विषय में, जिसमें फेलोशिप का पैसा दिया जाता था, कंटेंजेंसी दी जा सकती थी, दी जाती थी, HRA और रेजिडेंस अलाउंस आपको दिया जाता, उसी प्रकार से इस फेलोशिप कार्यक्रम में है, जो कि SBI के द्वारा दी जा रही है, यूथ इंडियन फेलोशिप 2020। इसमें आपको पर मंथ का पैसा अलग से दिया जाएगा, आने जाने का पैसा दिया जाएगा, कंटेंजेंसी दिया जाएगा, कोई अलग से बेसिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो ये फेलोशिप आपको बहुत कुछ देगी, आपको बहुत कुछ सीखना है इससे, और अपने हुनर को, अपने टैलेंट को निखारना है, मांझना है, चमकाना है, पॉलिश करना है। तो इस फेलोशिप को भरे और जल्द से जल्द भरे, सीट लिमिट में है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई भी परिस्थिति में कभी भी बदलाव आ सकता है इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में, इंटरव्यू प्रक्रिया में, साक्षात्कार के तरीके में, हो सकता है वीडियो से इंटरव्यू हो सकता है फ़ोन से इंटरव्यू हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपका इंटरव्यू हो, सामूहिक रूप से, कुछ भी हो सकता है। सीट लिमिट में है, काम बहुत ज़्यादा है, हर साल निकलती है, इसमें पैसा आपको पर महीने का मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। इसके ज्वाइनिंग के प्रोसेस की बात कर, कितने महीनों के लिए वह भी बताऊंगा मैं। ज्वाइनिंग के प्रोसेस में पहला चरण है कि आपको अपना नामांकन दर्ज करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के जस्ट कुछ मिनटों के बाद आपको फ़ोन पे या ईमेल पे एक मेल आएगा, रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत कुछ मिनटों के बाद, हो सकता है कुछ घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन कुछ मिनटों के बाद आपको उसी दिन में आ जाएगा नोटिफिकेशन कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और आपको एक ID और पासवर्ड दे दिया जाएगा। वह आपका पासवर्ड है, जब कभी भविष्य में आपको कुछ अपना सर्च करना हो, देखना हो, उसे आप देख सकते हैं, तो वह आपको मिल जाएगा। ये सब मिलने के बाद इसका दूसरे से तीसरा चरण होगा, आपको 14 से मैंने कहा कि 10 से 15 दिन लग सकते हैं उस चरण को कंप्लीट होने में, इसलिए सब्र का ध्यान रखिएगा, धैर्य रखना है सभी उम्मीदवारों को, कि उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा या सूचना आएगी कि इस तय तारीख पर आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा या लिया जाएगा। अगर बुलाया जाएगा, अगर लॉकडाउन हट जाता है, परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं वायरस की वजह से, हटने की वजह से, तो कहीं आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, या फिर वीडियो के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तीसरे से दूसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है, हो सकता है आपका GBM हो, आपके अनुभव को शेयर किया जाए, या किस फील्ड में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है वह पूछा जाए, वह इसका तीसरा चरण होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, आप आज की भी डेट में फॉर्म भरेंगे, जून अंत तक आप फॉर्म भर सकते हैं, क्लोजिंग की कोई फिक्स डेट नहीं है, ये केवल मंथ आया है। तो मंथ आया है, कोई फिक्स डेट नहीं, जून की 1 तारीख भी हो सकती है इसकी क्लोजिंग डेट, और जून की 30 तारीख भी हो सकती है, लेकिन मान के चलिए पूरा अप्रैल है आपके पास, पूरा मई का महीना है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन जितना जल्दी करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर उतना जल्दी मिलेगा, आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन के। तो वेट मत करिए कि आज नहीं कल भरेंगे, कल नहीं परसों भरेंगे, क्योंकि जो महामारी इस समय देश में है, उस समय कुछ भी बदलाव हो सकता है। इसलिए मैंने छोटा सा अपडेट गांधी फेलोशिप के बारे में भी डाला है, उसका वीडियो का मैं लिंक दूंगा, आई बटन पर आप देख सकते हैं। एक नया अपडेट आया है, कुछ लोगों को परेशानियां हो रही थी ज्वाइनिंग लेटर के बाद में, तो वह परेशानी आपको भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए, यह परेशानी से बचना है। तो फॉर्म को जल्द भरें, टाइम से पहले भरें। यदि मेरी कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या कुछ और जानना चाहते हैं इस फेलोशिप के बारे में तो भी मुझसे पूछें। पर महीने का, पर मंथ का आपको पैसा मिलेगा, इस बात का याद रखिएगा, आपसे लिया नहीं, आपको दिया जाएगा। अलग से सुविधाएं मिलेंगी, आपको दिया जाएगा। आपका BSc हो, आपका MSc हो, आपका BCom हो, आप थिएटर, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, यदि आप जो मैंने 5-6 फील्ड बताया, यदि आप उसमें काम करना चाहते हैं या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भरिए, अप्लाई कीजिए। अंतिम चीज, 1 साल 1 महीना अर्थात 13 महीनों तक ये फेलोशिप कार्यक्रम चलने वाला है।
जी हाँ, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है 1 साल 1 महीना अर्थात 13 महीनों का ये टाइम ड्यूरेशन है। और जब आप अपना काम ख़त्म कर देंगे, अपने काम को सबमिट कर देंगे संस्थान के पास जाके किसी भी माध्यम से, उसके बाद आपको 50,000 रुपये का उपहार कह लो या रिवॉर्ड कह लो, जब उनको आपका काम पसंद आएगा तो आपको दिया जाएगा। ये उस पर महीने के पैसे के अलग है, इतर है, यानी कि वो पर प्रति माह आपको मिलेगा ही, लेकिन यदि आप जब अपना काम सबमिट करेंगे 13 महीने के बाद में, उसके बाद आपके काम का एनालिसिस होगा, रिपोर्ट बनेगी, जांच कमेटी बैठेगी, वो जांच करेगी, जिसका काम पसंद आएगा उसको 50,000 का रिवॉर्ड या कुछ भी कह लो इनाम राशि पुरस्कार राशि वह दी जाएगी। तो यह था इस SBI यूथ इंटर्नशिप या फेलोशिप कार्यक्रम का पूरा विवरण। यदि आपको कोई समस्या अभी भी आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आई है मेरे माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना ईमेल आईडी दें और उस पर डिटेल से अपना सवाल पूछें और कोई समस्या है तो पूछें। और यदि किसी और प्रकार की फेलोशिप या इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहते हैं तो लगभग 10ों से ऊपर वीडियो बनाकर जिनके डेट्स अभी है इंटर्नशिप और फेलोशिप कार्यक्रम के अपने चैनल पर मैंने डाल रखे हैं, आप जाएँ उनको देखें। और कुछ वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियो को शेयर तभी करें जब आपको जानकारियाँ फ़ायदेमंद लगी हों और आपको ये लगा हो कि ये जानकारी किसी और के लिए भी हितकर है, तो वीडियो को शेयर करें। नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक दोनों यू आर राइट, आई एम नॉट ए सेइंग, आपको जो ठीक लगे वो करें, वीडियो को शेयर करें।